हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत चौधरी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। तो गाइस, आज हमारा पहला एग्जाम था जेईई मेंस का, और आप मतलब आज जो पहली शिफ्ट थी उसके आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपको हेल्प देगा आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या फिर अगले दिन है आपका एग्जाम है या फिर जब भी आपका एग्जाम है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो वहां से आप उसे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा मतलब एनालिसिस वीडियो मिलने वाली है, कॉलेज रिव्यूज मिलने वाले हैं और सॉल्यूशन भी हम इस चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो हमारा अगर केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 8 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 8 ही क्वेश्चन हमारे आज पूछे गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 9 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें अगर हम 11th और 12th के वेटेज की बात करें तो अप्रोक्स 12 क्वेश्चन हमारे 11th से आए हैं, और 12th की बात करते हैं तो 13 क्वेश्चन हमारे आए हैं 12th वाले पोर्शन से। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो देखिए, इतना डिफिकल्ट केमिस्ट्री का पेपर नहीं था जैसा मतलब जेईई मेंस का पेपर आता है, उसके जैसा ही कुछ कुछ रिलेवेंट पेपर था। अगर आपको मतलब अच्छी तरीके से एनसीईआरटी याद है तो आप अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं बहुत ही आराम से। देखिए, बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो 11 से वहां पे सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हैं, और अगर हम 12th की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन 12th से आए हैं, मतलब 12th का वेटेज ज्यादा रखा गया है 11th के कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं पोर्शन टू पोर्शन, तो एलजेब्रा से 5 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से 5 क्वेश्चन और हमारे वेक्टर एंड 3D से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस से हमारे आए हैं 4 क्वेश्चन। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वेटेज की बात कर लेते हैं, 11 से हमारे आए हैं लगभग 10 क्वेश्चन, सेम जैसा मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया, और 12 से फिर से 15 क्वेश्चन के आसपास हमारे आए हैं। एक आध क्वेश्चन आप मतलब ऊपर नीचे मान सकते हैं, जो आपको मिल सकता है कि आप अगर उसे 11 वाले चीज फॉर्मूले से कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसे 12 या 11 का बिल्कुल एक्यूरेट मानेंगे। तो आपके देखिए, मैकेनिक्स से हमारे 7 क्वेश्चन आए हैं, और थर्मोडायनेमिक्स या फिर आप थर्मल फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां से 4 क्वेश्चन आए हैं, ऑप्टिक्स से हमारे 3 क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स से हमारे लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं। जनरल फिजिक्स से जैसे आप एरर वगैरह के क्वेश्चन मान सकते हैं, 1 क्वेश्चन वहां से आया है, और कम्युनिकेशन फिजिक्स से अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी 1 क्वेश्चन आया है, जिससे आप सेमी कंडक्टर वाले पोर्सन से आप मान सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमारे आए हैं 7 6 क्वेश्चन। तो ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इसका वेटेज था। आपको देख लेना है कि आपको क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या मतलब जो आपका अगर वेटेज जो आज रखा गया है, होपफुली नेक्स्ट जितने भी हमारे एग्जाम होंगे तो उसमें भी इसके जैसा ही कुछ कुछ आने वाला है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बोल दीजिए, हम सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे इस पूरे पोर्शन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और उनका भी फायदा बराबर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।